हाय गाइस, वेलकम टू ऑर्डर रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है द ऑल न्यू 2023 सिट्रोन C3 एयरक्रॉस एंड दिस इज द मैक्स वेरिएंट जो टॉप मॉडल है एंड ये 5-सीटर वर्जन आप लोग देख रहे हो। तो आज हम लोग इस कार का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अरुण अंगशाल, आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हियर इज द कार, दिस इज द 2023 सिट्रोन C3 एयरक्रॉस। एंड सबसे पहले अगर आप लोग डिज़ाइन की तरफ देखेंगे तो डिज़ाइन यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा एक डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फॉर श्योर। सबसे पहले अगर आप लोग एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलता है और उसके साथ अगर आप लोग इस हेडलैम्प के थ्रो की बात करेंगे तो इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड रात में आपको एक बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा फॉर श्योर। उसके साथ यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने को मिल जाएगा एंड साथ में जैसे ही आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बम्पर वगैरह यहाँ पे ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे फ्रंट ग्रिल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट ग्रिल भी है जो ये भी काफ़ी एक ब्यूटीफुल सा फ्रंट ग्रिल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मुझे ये फ्रंट ग्रिल इन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। यहाँ पे सेंटर पे देखेंगे तो सिट्रोन का बैजिंग यहाँ पे दिया गया और उसके साथ यहाँ पे टोइंग हुक देखने को मिलता है नीचे और उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स वगैरह एंड देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे आपको बॉनेट एरिया देखने को मिलता है। बॉनेट एरिया में आपको कैरेक्टर लाइंस देखने को मिलेगा और जैसे ही आप लोग यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड की तरफ देखेंगे तो विंडशील्ड में आपको वाइपर देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही आप लोग इस कार के साइड प्रोफाइल की तरफ देखते हो तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये इस कार का साइड प्रोफाइल आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इसके कलर ऑप्शन के बारे में तो कलर ऑप्शन आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये कार कौन कौन से कलर में अवेलेबल है एंड उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे डायमेंशंस के बारे में तो डायमेंशंस भी आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट टायर की तरफ देखते हैं। फ्रंट टायर देखते हो सीएट का टायर यहाँ पे अलॉय व्हील यहाँ पे ऑफर किया गया। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, ऑल्सो यहाँ पे ABS विद EVD का फंक्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे व्हील आर्च दिया गया और उसके साथ जैसे आप लोग यहाँ पे मिरर्स की तरफ देखेंगे तो व्हाइट कलर का मिरर यहाँ पे विद टर्न इंडिकेटर्स के साथ देखने को मिलेगा। और जैसे आप लोग यहाँ पे डोर हैंडल्स की तरफ देखेंगे तो डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिया गया। ये जो डोर हैंडल का डिज़ाइन है थोड़ा सा मतलब पुराने दिनों के गाड़ियों में ये डोर हैंडल देखने को मिलता है तो यहाँ पे उसी टाइप का डोर हैंडल यहाँ पे दिया गया लेकिन ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे विंडो बेड लाइन की बात करेंगे तो दिस फिनिश्ड इन मैट ब्लैक एंड बी पिलर की बात करेंगे दिस ऑल्सो फिनिश्ड इन मैट ब्लैक। अब ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपको रूफ रेल्स देखने को मिलता है, फंक्शनल रूफ रेल्स यहाँ पे दिया गया एंड ऑल्सो ये डुअल टन कलर है तो देख सकते हो कि ये आपका डुअल टन कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो क्लैडिंग वगैरह ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे आप लोग यहाँ पे रियर डोर हैंडल की तरफ देखते हो रियर डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको फ्यूल लिट देखने को मिलता है, बेसिकली आप लोग इसको ओपन करके इसमें फ्यूल डलवा सकते हो। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर टायर मिलता है, यहाँ पे आपको सीएट का टायर दिया गया है, साथ में आपको 17 इंच का टायर्स विद अलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही आप लोग यहाँ पे रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो रियर से भी इस कार को काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस का डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। रियर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये कार। एंड उसके ऊपर अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप अलोंग विद रूफ एंड स्पॉयलर एंड थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर अलोंग विद रियर वाइपर देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही आप लोग यहाँ पे टेल लैंप्स की तरफ देखें तो टेल लैंप्स आपको यहाँ पे माउंटेड देखने को मिलता है, रियर टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको एक ब्लैक पैच दिया गया और उसके साथ यहाँ पे आपको सिट्रोन का बैजिंग एंड क्रोम डिज़ाइन में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पे आपको प्योरटेक की बैजिंग मिलता है एंड यहाँ पे आपको C3 एयरक्रॉस की बैजिंग ये भी आपको क्रोम डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक क्रोम सा एक और एक पैच देखने को मिलेगा और उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर बम्पर वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिया गया और रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे माउंटेड देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा आपको थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे माउंटेड देखने को मिलता है तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये इस कार का कैमरा एंड बाकी बस यही था इसका रियर प्रोफाइल। अभी इसके बूट को हम लोग ओपन करेंगे तो इस कार में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग बूट स्पेस की तरफ देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस इस बूट है बिकॉज ये 5-सीटर वेरिएंट है, इस वजह से बूट में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। और उसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी बूट लैम्प देखने को मिलता है जो एक काफ़ी अच्छी बात है। और बस यहाँ पे आपको और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, आप अपना दो
बिग साइज के सूटकेस यहाँ पे आराम से फिट करके बैठा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड इसका जो लोडिंग लिफ्ट है ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि आपको सामान थोड़ा सा उठा के इसके अंदर रखना पड़ेगा। एंड बस यही था इसका बूट का कहानी। एंड ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपको पार्सल ट्रे ऑफर कर दिया गया इस गाड़ी में। तो अभी कर देते हैं इस गाड़ी के बूट को बंद एंड जाएंगे इस कार के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे डोर्स की तरफ देखते हो तो डोर्स आपको डुअल टोन फिनिश पे देखने को मिलता है, ये आप लोग देख सकते हो। एंड साथ में यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको दो पावर विंडो का स्विच, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैब्रिक से सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिया गया है, जहाँ पे आप एक एक लीटर के बॉटल्स आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड उसके साथ लेफ्ट साइड पर आपको स्पीकर मिलता है। एंड यहाँ पे जो एसी वेंट का जो डिज़ाइन है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन देखने को मिलता है और उसके साथ यहाँ पे आपको ORVM का कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और नीचे आपको तीनों पेडल्स देखने को मिलता है बिकॉज ये मैनुअल गाड़ी है। एंड उसके साथ थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट का कंट्रोल देखने को मिलेगा, मतलब कि जो फॉग लैंप्स का कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको चाबी दिया गया तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें दो आपको मैनुअल की मिलता है, दो बटन भी देखने को मिलेगा, तो दिस टू लॉक योर कार, दिस टू अनलॉक योर कार। तो अभी चाबी को कर देते हैं वापस उसी जगह पे। एंड अगर आप लोग यहाँ पे सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स आपको सबसे पहले हेडरेस्ट की तरफ देखते हो तो हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है, जिससे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो सीटिंग कंफर्ट है यहाँ पे ठीक है, थोड़ी और बेटर यहाँ पे हो सकती थी लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं दिया गया। यहाँ पे साइड सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साइड सपोर्ट दिया गया और उसके ये इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो, मैनुअल एडजस्टमेंट इस गाड़ी में दिया गया। आप जैसे ही मैं इस कार के अंदर जाता हूँ तो अभी मैं आ गया इस गाड़ी के अंदर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करते तो इसका जो एनिमेशन है एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाएगा। एंड साथ में यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज माइलेज दिखाएगा और साथ में यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर एज ए स्टैंडर्ड फीचर देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर बात करूँगा यहाँ पे दूसरे फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको आउटसाइड टेम्परेचर एंड जो डिजिटल क्लॉक का ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साइड पे आपको कुछ इंडिकेशन वगैरह ये सब कुछ भी देखने को मिलेगा। टचस्क्रीन सिस्टम की बात करेंगे तो 10.25 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम यहाँ पे ऑफर किया गया, जहाँ पे आपको एंड्रॉइड, एप्पल कार्ड प्ले ये सब कुछ सपोर्ट कर देगा, ब्लूटूथ सपोर्ट करेगा, मीडिया, रेडियो, डिवाइस लिस्ट सेटिंग ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेविगेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेटिंग पे जाते हो सेटिंग का वो जनरल डिस्प्ले, फोन, ऑडियो, क्लॉक, व्हीकल ये सब देखने को मिलता है। ये आपका होम का सेक्शन, ये आपका रेडियो, ये आपका फोन एंड ये आपका नेविगेशन का सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जैसे ही मैं इसके रियर कैमरा की बात करूँगा तो रियर कैमरा का स्क्रीन आप लोग देख सकते हो कि ठीक है, थोड़ी और बेटर यहाँ पे हो सकते थे लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा भी मतलब डिसअपॉइंटेड स्क्रीन है, ठीक ठाक ही मुझे लग रहा है। अभी कर देते रियर कैमरा को बंद एंड थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एयरकंडीशन सिस्टम देखने को मिलता है, मैनुअल एसी यहाँ पे दिया गया, जिसे इससे बेसिकली आप लोग डोर स्पीड का एडजस्ट कर सकते हो, इससे बेसिकली टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर का एडजस्ट कर सकते हो, इससे एसी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एसी रिलेटेड आउटपुट बटन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका हैजलनट का स्विच, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट एंड 12V का चार्जिंग सॉकेट दिया गया और उसे यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर देखने को मिलता है थोड़ा सा नीचे, और उसके साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। और गियर शिफ्ट की बात करेंगे तो गियर शिफ्ट ठीक है, स्मूथ है, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिवर्स गियर आपको कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा। तो अभी कर देते हैं गियर बॉक्स को न्यूट्रल पे। थोड़ा सा पीछे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर का स्पेस देखते हो, डिसेंट टाइप का स्पेस यहाँ पे दिया गया एंड उसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ इसका स्पेस जाता है, तो यहाँ पे आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इंटीरियर का ओवरऑल टच एंड फील है। मटेरियल की बात करेंगे तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको IRBM देखने को मिलता है, IRBM आपको मैनुअल डिमिंग IRBM यहाँ पे दिया गया, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। सनवाइजर्स की बात करेंगे तो पैसेंजर सनवाइजर में आपको मिरर देखने को मिलता है, देयर इज नो लाइट एंड ड्राइवर सेट सनवाइजर में आपको नॉर्मल एक सनवाइजर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है जो आपको हैलोजन में दिया गया। तो बस यही था इसका पूरा फ्रंट में जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब चलते हैं इस कार के रियर सीट की तरफ एंड रियर सीट पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि रियर पैसेंजर के लिए कितनी ज़्यादा स्पेस, क्या कंफर्ट एंड क्या फीचर्स वहाँ पे ऑफर किया गया है। लेट्स गो।
सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे इस कार के रियर सीट की तरफ। रियर सीट पे जाने से पहले अगर आप लोग रियर डोर की तरफ देखेंगे तो रियर डोर आपको डुअल टोन फ्रिंच पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल देखने को मिलता है। थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे कोई भी पावर विंडो का स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस नीचे देखेंगे तो नीचे आपको बॉटल होल्डर के लिए जगह देगा। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी देखने को मिलेगा। अब जैसे आप लोग सीट्स की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले हेडरेस्ट की तरफ देखते हो तो हेडरेस्ट आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बीच पे देखेंगे तो बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स। तो यस यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर मिलता है। बेसिकली अगर आप लोग इस कार को लेकर कहीं भी लॉन्ग ट्रिप्स पर जा रहे हो तो आप अपने से इजीली कॉफ़ी जूस या फिर ड्रिंक्स कैरी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट के बाद, सीटिंग कंफर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे ऑफर किया गया। एंड उसके बाद यहाँ पे कुशनिंग भी है, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अभी हम लोग इस सीट्स के बैठ के आपको दिखाऊंगा। तो फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। मुझे यहाँ पे काफ़ी ह्यूज सा नीरूम स्पेस देखने को मिलता है। आई एम ऑलमोस्ट 5'7" और मुझे यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। थाई सपोर्ट की बात करें, थाई सपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा थाई सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड रियर पावर विंडो का जो स्विच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सेंटर पे। एंड उसके बाद थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो USB पोर्ट ऑफर किया गया है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग ऊपर देखेंगे तो ऊपर में आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, चारों ग्रैब हैंडल यहाँ पे, दो ग्रैब हैंडल मिलता है, सामने आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। यहाँ पे रीडिंग लैम्प मिलता है, रीडिंग लैम्प आपको हैलोजन में दिया गया। और उसके साथ अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे हेडरूम स्पेस के बारे में तो हेडरूम स्पेस आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम स्पेस यहाँ पे मुझे मिल गया। मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड उसके बाद सीटिंग जो कम्फर्ट है, सीटिंग कम्फर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सीटिंग कम्फर्ट देखने को मिलता है। अभी मैंने इसका रियर सीट पे जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। एक और चीज़ जो मैं दिखाना भूल गया, सीट्स के पीछे आपको यहाँ पे सीट्स पॉकेट देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप मैगजीन वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। तो अभी चलते हैं इस कार के बाहर। सो गाइज दैट्स ऑल यू फॉर राइट नाउ। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दिए, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसा लगा, और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।